German Shepherd vs. Tibetan Mastiff. It is a type of dog vs. dog video in Hindi by the Ultimate Channel. Please subscribe our channel to make us up and also press the bell icon for other new updates. अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे टिबेटन मैस्टिफ वर्सेस जर्मन शेपर्ड के बारे में। दोस्तों, जर्मन शेपर्ड एक मीडियम टू लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है और इनका ओरिजिन जर्मनी से है। जर्मन शेपर्ड पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है। जर्मन शेपर्ड वर्किंग डॉग की ग्रुप में आते हैं और इनको मैक्स वॉन स्टेफनिट्स ने ब्रीड किया था। तिब्बतन मैस्टिफ एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है और इनका ओरिजिन तिब्बत से है। ये ज़्यादातर तिब्बत, चाइना, नॉर्थ इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। पहले के टाइम में तिब्बत के लोकल ट्राइब्स टिबेटन मैस्टिफ को एज अ गार्ड डॉग यूज़ करते थे, अपने भेड़ और बकरियों को वुल्फ और स्नो लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन दोनों में से अच्छा फैमिली डॉग कौन सा है। दोस्तों, फैमिली डॉग्स के मामले में विदाउट अ डाउट जर्मन शेपर्ड टिबेटन मैस्टिफ से बहुत अच्छे होते हैं। अपने ओनर के लिए लॉयल होना, अच्छे गार्ड डॉग होना और अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होना, ये सारी क्वालिटीज़ तो तिबेटन मैस्टिफ में भी है, लेकिन जर्मन शेपर्ड इनसे अलग है। तिबेटन मैस्टिफ के मुकाबले जर्मन शेपर्ड को सोशलाइज करना, ट्रेनिंग देना और छोटे बच्चों के साथ रखना ज़्यादा ईजी होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इन दोनों डॉग्स की हाइट के बारे में। तिबेटन मैस्टिफ में फीमेल्स की एवरेज हाइट 25 इंचेस से लेकर 29 इंचेस तक होती है और मेल्स की एवरेज हाइट 26 इंचेस से लेके 31 इंचेस तक हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जर्मन शेपर्ड को देखें तो इनमें फीमेल्स की एवरेज हाइट 22 इंचेस से लेके 24 इंचेस तक होती है और मेल्स की एवरेज हाइट 24 इंचेस से लेके 26 इंचेस तक होती है। टिबेटन मैस्टिफ लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, इसीलिए टिबेटन मैस्टिफ जर्मन शेपर्ड से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो जर्मन शेपर्ड को ट्रेन करना टिबेटन मैस्टिफ के मुकाबले ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जर्मन शेपर्ड वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये अलग अलग कामों के लिए भी ट्रेन किए जा सकते हैं। जर्मन शेपर्ड को बहुत सी कंट्रीज़ में मिलिट्री और पुलिस वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। और वहीं अगर टिबेटन मैस्टिफ को ट्रेनिंग देने की बात करें तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों डॉग्स को बचपन से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें बचपन से ही दूसरे एनिमल्स और दूसरे डॉग्स के साथ भी सोशलाइज करें। अगर आप बड़े होने के बाद इनको सोशलाइज करेंगे तो कुछ चांसेस है कि आपका डॉग उन दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे डॉग्स पे अटैक भी कर सकता है। अब हम जानते हैं इन दोनों डॉग्स के वेट के बारे में। तिबेटन मैस्टिफ में फीमेल्स का एवरेज वेट 34 केजी से लेके 54 केजीज तक होता है और मेल्स का एवरेज वेट 45 केजी से लेके 73 केजीज तक हो सकता है। जर्मन शेपर्ड टिबेटन मैस्टिफ के मुकाबले साइज़ में छोटे होते हैं और इनमें फीमेल्स का एवरेज वेट 22 केजी से लेके 32 केजीज तक होता है और मेल्स का एवरेज वेट 30 केजी से लेके 40 केजीज तक होता है। अब हम बात करते हैं अडैप्टेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आप जर्मन शेपर्ड को मीडियम साइज़ के घरों में रख सकते हैं और वहीं टिबेटन मैस्टिफ को रखने के लिए आपको बहुत ही लार्ज साइज़ का घर चाहिए होगा, जहां आपके पास बैकयार्ड भी होना चाहिए, जहां टिबेटन मैस्टिफ फ्रीली घूम सके। जर्मन शेपर्ड दिल्ली के गर्म वेदर में भी रह सकते हैं, लेकिन टिबेटन मैस्टिफ को ठंडा और हल्का ठंडा वेदर ही पसंद आता है, इसलिए टिबेटन मैस्टिफ आपको ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के ठंडे स्टेट्स में ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल के बारे में। दोस्तों, टिबेटन मैस्टिफ का हाइट और वेट जर्मन शेपर्ड के मुकाबले भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जर्मन शेपर्ड टिबेटन मैस्टिफ के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जर्मन शेपर्ड की एनर्जी लेवल की वजह से डॉग शोज में भी लाया जाता है। ये हमेशा अपने ओनर का कमांड सुनने के लिए वेट करते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो जर्मन शेपर्ड को मेंटेन करना ज़्यादा ईजी होगा। इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनके बाल समय समय पर झड़ते रहते हैं। जर्मन शेपर्ड की एवरेज
प्राइस इंडिया में 14,000 to 18,000 रुपीज तक है और वही टिबेटियन मैस्टिफ की प्राइस 60,000 to 80,000 रुपीज तक है। लेकिन जो एकदम प्योर ब्रीड टिबेटियन मैस्टिफ होते हैं उनकी प्राइस लाखों में हो सकती है। टिबेटियन मैस्टिफ को वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट डॉग ब्रीड भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड टिबेटियन मैस्टिफ वर्सेज जर्मन शेपर्ड के बारे में। और ऐसे डॉग वर्सेज डॉग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।